तो सडनली एक कॉन्सर्ट में एक विजय मल्ला करके एक सिंगर हुआ करते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, वो थे, ही वॉज देयर एट द शो। हाँ, वो थे, लायंस क्लब का कॉन्सर्ट था और बॉम्बे में एक होटल हुआ करती थी जो अभी उसका नाम आई थिंक अभी चेंज हो गया कुछ, वो शालीमार होटल हुआ करती थी। तो जगजीत अंकल, ये भी बताऊंगा कि अंकल मैंने बोलना उनको कैसे शुरू किया। तो जगजीत अंकल मेंबर थे, लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे उस समय पर, वो एक ही फ्लाइट चलती थी एयर इंडिया की, इंडियन लाइंस की। तो ही केम फ्रॉम दिल्ली और समवेयर आई डोंट नो, तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए आए, तो मेरे को तो पता ही नहीं, अभी एक 15 साल का बच्चे को क्या पता होगा कि कौन क्या है। तो उनके एक दोस्त थे नरेंद्र बिल्ला, बहुत बड़े बिल्डर हैं वो, तो वो बोले कि तुमको पता है तुमको कौन सुन रहा है? नहीं मेरे को नहीं पता, जगजीत सिंह। अरे मैंने बोला मेरे को आइडिया नहीं कौन है। अच्छा, अब क्या हो गया कि वो सिंगर का गला बैठा था, तो जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि कुछ आप बजाइए, तो उस समय मेरे को जो ठीक लगा मैंने बजा दिया। तो जगजीत अंकल वहां से मेरे को इशारा कर रहे हैं, हाँ तेरा हाथ बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैंने थैंक यू बोला, मैं ऐसे समझ रहा था जैसे कोई ऑडियंस में होते हैं जो तारीफ करते हैं वैसे। और ही वो ही वॉज इन मूड कंप्लीट एकदम। हाँ, तो खत्म हुआ प्रोग्राम, वो विजय मल्ला साहब भी गाए, उनके साथ भी बजाया मैंने। खत्म होने के बाद ही केम टू मी एंड ही सेड कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है वायलिन का। अच्छा, उनके साथ पहले वायलिन बजाते थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उनके साथ वायलिन बजाते थे पंडित भंवरलाल जी। हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वायलिन था नहीं उनको, और उनका वायलिन उनका प्रिय इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मुझे वो जो उनके एक शोल्डर पे एक बैग लटका हुआ था, वो बैग में से जो वो केबिन केबिन बैगेज का जो टैग होता है ना, टैग, वो जी फाड़ा जी उन्होंने, जी वो फाड़ के उस पर अपना नंबर लिखा, 8228572, ये उनका लैंडलाइन नंबर था, मुझे अभी भी याद है, देखिए। और नीचे नाम लिखा जगजीत सिंह, तो तेरा हाथ बहुत अच्छा है और बहुत मीठा बजाता है। तो मैंने थैंक यू सर, थैंक यू, मैं सर बोल रहा था, अभी और क्या जी बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल बोला कल फोन करो मुझे, मैंने कल फोन करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किसके लिए फोन करना है, ठीक है कि बाद में वो उस समय हाँ बोल दिया मैंने, ठीक है, लेकिन अब किस लिए फोन करना है कल, वो मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। तो खैर घर आ गया मैं, खत्म हो गई रात, गई बात गई। तो 2 दिन बाद उनका फोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे, बहुत अच्छा गाते हैं, तौसीफ, तौसीफ अख्तर, उनके पिताजी से मेरा नंबर लिया उन्होंने और फोन किया और इंक्वायरी भी की मेरे बारे में अख्तर अंकल से। तो बोले हाँ, वो शंकर शंभू जी में से, शंभू जी का लड़का है और अच्छा काम कर रहा है। बोला हाँ, कल सुना मैंने परसों, तो पीछे तानपुरा चल रहा है और घंटी बजी और मैंने ही फोन उठाया। तो मैं हेलो, तो बहुत खरज, अति खरज में आवाज आती है एक हेलो ऐसे करके, जो फोन के जो फोन का जो स्पीकर था वो झनझना गया था एकदम, और पीछे तानपुरा चल रहा है। तो कौन बोल रहा है? मैं दीपक बोल रहा हूँ, तुमने फोन नहीं किया मेरे को परसों? मैंने कौन बोल रहे? मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं सॉरी सर, मैं मतलब याद था मुझे लेकिन किस लिए फोन करना था, तो किस लिए क्या फोन करना है, तुम आओ वायलिन लेके घर पे आओ आज, मैंने आज तो मेरा कुछ काम है तो कल आओ। बोले मैंने ठीक है मैं आता हूँ, एड्रेस लिखो, मैंने एड्रेस लिखा, पुष्पा मिलन बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 24, सफाया कॉलेज के बाजू में, कैम्स कॉर्नर जो भी था, हाँ ऐसे कुछ था, वार्डन रोड, सॉरी। तो मैं नेक्स्ट डे गया वायलिन लेके मेरा, अब वहाँ पे अपना रोनू मजुमदार जी, अरशद जी और हरीश, हरीश नारायण, हरीश वानकर जी जो ढोलक बजाते थे, नारायण जी और संजीव सेन जी जो तबला बजाते थे, और अरशद भाई गिटार बजाते थे, वो चित्रा जी, चित्रा आंटी, जगजीत अंकल सब मौजूद थे। तो मैं पहुंचा, थोड़ा घबराया हुआ भी था, ऐसा माहौल बना हुआ था वहाँ पर सब। तो बोला बैठो बैठो बैठो, तो बैठा मैं, तो बोला कि
निकालो अपना वायलिन निकालो। ठीक है, अब चित्रा जी से भी मिलाया, आंटी से भी मिला, मिला नमस्ते हाय नमस्ते उसे हुआ। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। बोले देखो कुछ गजलें जो है हमारी उसमें फिक्स म्यूजिक होते हैं, मैंने जी, और कुछ गजलें ऐसी होती है जो उस सुरों का उस शब्दों का मजा लो और अपने हिसाब से बजाओ। अब कहाँ बजाना है क्या कुछ पता नहीं, जी अभी पहली बार कोई आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या हो रहा है। तो मैं रोनू भाई को देख रहा हूँ, सब मेरे बहुत सीनियर, और अर्शद भाई को देख रहा हूँ, इन लोग को देख रहा हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी भी थे संतूर। तो जी, तो मैंने निकाला वायलिन, तो बोले कि अपना हम गजल का जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है तो वो पहली गजल होती है चित्रा जी के साथ, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, दरना दरा 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 हमसे अजनबी, वही गजल थी। तो इसका सुर है सफेद तीन, ई ई में, मैं जी 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 सर सर बोलता था। तो बोले इसमें म्यूजिक फिक्स म्यूजिक है वो लिखो, लिखना आता है, मैंने हाँ नोटेशन आता है मेरे को, तो लिखो। तो मैं पेन और कागज़ लिया और मैं लिखने लगा। तो बोले मैं लिख के देता हूँ तुमको, कैसे लिखते मैं बताता हूँ। मैंने अच्छा ठीक है आप बताइए। तो उन्होंने लिखा दरा री रा 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 रा, ये म्यूजिक था फर्स्ट म्यूजिक, दरा री 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 दरा री रा रा री रा 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 तरा दर ना दर, अंतरा शुरू होता था फिर ऐसे वो था। तो उन्होंने लिखा, नोट्स लिखे करेक्ट लिखे, सारे गा धा नी दा धा पा गा पा। तो मैंने बोला सर इसको बीट बार एंड बीट पे लिखिए ना। तो ऐसे देखने लगे मेरे को, तेरे को आता है? मैंने हाँ मेरे को आता है, तो तू लिख। मैंने ठीक है। तो मैं सारे गा धा गा ऑन द बीट, नी धा धा पा धा बीट पे, गा रे सा मा सा भी गा रे सा धा टू वन रे सा सा। तो चित्रा आंटी बोलती लड़का होशियार है। हाँ तो लिखा मैंने, फिर बोला हम कुछ कब, हमारे स्किल बहुत चेंज होते हैं, कभी हम ई से गाते हैं, कभी एफ से गाते हैं, कभी जी से गाते हैं, कभी डी से गाते हैं, कभी एफ शार्प से गाते हैं। तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं उनको मैंने कहा। बोला नहीं वो पंडित जी भवनलाल जी वो ट्यूनिंग चेंज करते थे ना, और दो आई थिंक दो वायलिन रखते थे शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया। मैंने बोला नहीं मैं हर स्किल से बजा लेता हूँ। हाँ, और मैंने मतलब बड़ा नॉर्मली बोला, ऐसा नहीं कि अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए, वो नहीं। तो ही वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। फिर अंदर गए, 10 मिनट की, 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा मुश्किल से। हाँ 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा। फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद उस समय वो इंडियन लाइंस का एक वो टिकट जो आती थी ना, बड़ी जैकेट्स होती थी रेड एंड वाइट कलर की। हाँ तो वो मेरे को उन्होंने पकड़ा दी, वो पकड़ा दी, बोले कल दिल्ली चलना है, वहाँ से परसों मेरठ, फिर वहाँ से अपना कलकत्ता, फिर उधर से चेन्नई, तो मद्रास था सॉरी मद्रास, फिर वहाँ से जयपुर, फिर ऐसे पूरा उन्होंने एक एक डेढ़ हफ्ते का प्रोग्राम मेरे को दे दिया। अरे मैंने बोला सर मैं तो, लेकिन कल मेरा रिकॉर्डिंग है कल से, आई यूज टू प्ले सॉन्ग वायलिन ऑल्सो, सोलो के लिए तो कोई बुलाता नहीं था मेरे को, तो सॉन्ग वायलिन के लिए बुलाते थे, बट वो ज़्यादा मुश्किल काम है, सॉन्ग गाना बजाना इट्स मोर डिफिकल्ट देन प्ले सोलो। तो लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिकॉर्डिंग थी नेक्स्ट डे से, वो थी अपना आशित देसाई जी की, बहुत अच्छा गुणी, बहुत ही गुणी कलाकार हैं आशित देसाई जी, और खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर हैं, अरेंजर हैं। तो मैंने बोला मेरी आशित देसाई जी के साथ रिकॉर्डिंग है, जुहू पर स्टूडियो, गिनी स्टूडियो करके था, तो मैं तो वहाँ बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा आपके साथ ही दिल्ली कलकत्ता और ये चेन्नई वगैरह मद्रास वगैरह। तो कुछ बोले नहीं मुझे, उन्हें उन्होंने आशीष देसाई जी को फोन लगाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। आशीष देसाई जी को फोन लगाया उन्होंने, आई एम श्योर कि जब ये आशीष जी ये देखेंगे हमारा ये जो ये कन्वर्सेशन, तो उनको वो सब समय का पता याद आएगा। तो बोला हाँ, बोला जो भी बोलते थे आशित बोलते थे या आशित भाई बोलते थे पता नहीं, बोलो तुम्हारे कल जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो दीपक वायलिन पे, बोला हाँ वो वायलिन तो बजा, तो उसका तुम एक डेढ़ हफ्ते बाद डब कर लो, ये कल मेरे साथ जाएगा, कल से बाहर है मेरे साथ। तो ही सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आप बुला रहे हो और आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ तो खैर बाहर निकलने के बाद फिर मैंने पीसीओ से फोन किया आशीष जी को, फिर बोले नहीं कोई नहीं। फिर मुझे पता चला कि इन लोग का रिश्ता ऐसा था। हाँ फिर सर पहला प्रोग्राम दिल्ली, वही श्री फोर्ट, फेवरेट फेवरेट प्लेस सर हर म्यूजिशंस की। तो आज मुझे वो बातें सब समझ में आती है सर, उस समय बच्चा था तो नहीं समझ में आती थी, बट आज वो चीज़ें समझ में आती है। साउंड ऑन बैलेंस हो दीपक, गया, सनी 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 ठकराल साहब साउंड बैलेंस को कर रहे थे, तो होने के बाद जगजीत अंकल। अच्छा उससे पहले अरशद भाई यूज टू कॉल हिम जगजीत अंकल, तो मैंने बोला कि अब अरशद भाई तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो मैंने बोला कि मैं भी आपको अंकल बोलूँ। बोला हाँ बोलना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो तब से मैं जगजीत अंकल ही उनको बोलने लगा। तो खैर वहाँ पहुँचे दिल्ली में, पहुँचने के बाद जब श्री फोर्ट पे साउंड बैलेंस हुआ और बैलेंस होने के बाद ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही यूज टू स्मोक हाँ लॉट, तो कंधे पे ऐसे हाथ रख के मेरे को बोला कि अपने लिए बजाना, दूसरों को मत देखना कि किसको खराब लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, खुद को इम्प्रेस करना। और जब खुद को खुशी मिलेगी ना काम करके अपना म्यूजिक, जब तुम खुद इंजॉय करोगे अपना म्यूजिक तो सामने वाला डेफिनेटली इंजॉय करेगा। तो वो सब मेरे बाउंसर था, सब ऊपर से चला गया मेरे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। फिर अच्छा हो गया प्रोग्राम, बहुत अच्छा हो गया और ठीक ठाक बजा लिया मैंने उस दिन। फिर उन्होंने आगे पूरे साल भर की डेट्स दे दी। अब इससे पहले की एक जर्नी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि ये सेम टाइम पे मेरा जो करियर शुरू हुआ था, जो एज प्रोफेशनल जिसको बोलना चाहिए ना, ट्रैवल करना, कॉन्सर्ट्स करना, वो मुझे अनूप जलोटा जी ने शुरू कराया था। अच्छा जी ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। उनके साथ मैं करीबन 6-8 बार पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ। 1 महीने में 35-36 कॉन्सर्ट होते थे, 1 महीने में, एक एक दिन में दो दो कॉन्सर्ट, तीन तीन कॉन्सर्ट। तो वन डे जगजीत जी कॉल्ड अनूप जी, आप अनूप जी को पूछेगा, इज वेरी क्लोज टू, बोले यार ये इसको जब फोन करो तो ये बोलता है मैं, बोले तेरे साथ बिजी रहता है ये, तो इसको छोड़ दे। तो अनूप जी ने बोला ठीक है आज से आपके साथ, अब मैं फोन नहीं करूंगा इनको। तो ये ऐसी चीज शुरू हुई। खैर उससे पहले भी काफी चीज हुई थी, वो मैं आऊंगा बाद में। तो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कलाकार आपको बुलाते हैं। और जगजीत अंकल के साथ जितना मैंने सीखा है, खाली म्यूजिक नहीं, खाली म्यूजिक कुछ नहीं होता, उसके अलावा जो चीज होती है ना वो सीखनी, वो हर दिन सीखते थे, हर किसी ना किसी से। बोलते आप सीखना चाहो ना तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हर हर किसी की अच्छी चीज लो, हर किसी में कमियां भी है खामियां भी हैं खूबियां भी है, तो वो जो खूबियां हैं वो ग्रैब करो। तो वो अभी कुछ सालों से समझ में आ रही है वो चीज़ें। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था मैं बचपन में, तो उनको पता था कि ये सिगरेट भी पीता है बियर भी पीता है, उस समय बियर तक था। तो मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ सर आपको। बिल्कुल तो एक दिन मेरे रूम में आए, पता नहीं हम आगरा में थे या कहाँ थे याद नहीं आ रहा, मेरे रूम में आए। आने के बाद बोला यार मेरी मेरा सिगरेट खत्म हो गई, तेरा तेरा सिगरेट, तेरे में सिगरेट में से एक सिगरेट थे। तो मेरे अंकल मैं तो पीता ही नहीं, बोला तेरे होंठ बता रहे तू पीता है। हाँ तो बोला देखो जब बच्चे का पैर
बच्चे का जूता बाप के जूते में आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ उन्हें कहावत बोली थी, तो बिल्कुल, वो दोस्त हो बिल्कुल। जाता है। हाँ जब तो जब बड़ा बच्चे का बिल्कुल, पैर पिता के जूते में आ जाता है तो फिर वो दोस्त हो जाते हैं। हाँ तो मैंने बैग में से पैकेट निकाला, उस समय मैं रॉथमैन पीता था, तो मेरे साथ पलंग वो जो सोफा था वहां बैठे होटल के रूम में, बोला जला। फिर एक पैक बनाया उन्होंने, खुद ने भी बनाया मेरे लिए भी बनाया, जो करो सामने करो पीछे छुप के नहीं। वो दिन था सर, और 2011 तक जो हम लोग की जो बॉन्डिंग थी। नहीं तो दीपक, आप क्या रिश्ता, किस तरह का रिश्ता देखते हैं उनसे, एक छोटे भाई की तरह, एक एक पिता पुत्र की तरह, एक दोस्त की तरह, किस तरह का रिश्ता रहा आपका उनके साथ, आप जितने दिन उनके साथ रहे? एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर, एक सच्चा पाक कलाकार, एक आपका छत्र बोलते ना, छत्र ऊपर मेरा हाथ है, कर जो तेरे को करना है, मैं हूं तेरे साथ। वो हर चीज में मतलब मेरे साथ, वो मेरे हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, हमेशा। फिर मुझे बहुत सारे चांस दिए उन्होंने एज म्यूजिक अरेंजर अपने एल्बम्स में। करीबन मैंने उनके, मुझे याद ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे एल्बम्स किए बतौर म्यूजिक अरेंजर, और वो फुल फ्रीडम के साथ। झगड़े भी बहुत होते थे स्टूडियो में, और अच्छा चित्रा आंटी हमेशा मेरा साइड लेती थी, हमेशा मेरा साइड लेती थी कि ये कुछ अलग सोच रहा है, तुम वापस घूम फिर के वही तुम उस पर आ जाते हो, थुन चक तुम ऐसा मत करो ना, वो उसको करने दो, लेट हिम डू इट। तो मैं करता था अपने तरीके से, तो खुश भी होते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो के बाहर, बोला देखो क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है बताओ, अभी तुम्हारे अंदर जो जोश है ना कि मैं ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी करके दिखा दूँ, वो नहीं होता अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है कि एक खूबसूरत लड़की है, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उसको शायद एक बिंदी की जरूरत है, वो म्यूजिक अरेंजमेंट होता है। उसको तुम सोने में लाद दोगे, अपना गोल्डन साड़ी पहना दोगे, ये कर दोगे, तो भद्दा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अरेंजमेंट गाने के मुताबिक होना चाहिए, और वर्ड्स को महसूस करो पहले कि वर्ड्स क्या डिमांड कर रही है, कंपोजिशन का ग्राफ क्या है, उसके हिसाब से म्यूजिक अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू दी सॉन्ग उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके म्यूजिक फ्रेजेस भी वैसे होने चाहिए। तो उस समय तो मुझे झटका लगा बहुत कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया और ये वो और ये ऐसी बात कर रहे हैं। मेलेडी प्रधान होता है गाना, वो कह रहे हैं मुझे मेलेडी इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स मेलेडी ये इंपॉर्टेंट होती है, अरेंजमेंट उसका एक एक खाली एक वो होता है सपोर्टर। तो करते करते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर जो मेरी जो थोड़ी बहुत जो जबान साफ है, वो ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो उर्दू की नॉलेज है या जो गज़ल की जो एक एक अपनी एक रवायत होती है, अपने अपना एक टेम्परामेंट होता है, वो उनके साथ की शब्दों का जो कितने मुंह खोलना, कहाँ होंठ खोलना, कहाँ जबान खोलना, या कौन से शब्द पे कहाँ पॉज आना। अब कितने लोग गाते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो के हर ख्वाहिश पे दम निकले ये होता है। तो ये सारी मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बारीकियाँ बिल्कुल मैंने मैंने बहुत 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 सीखी, और आज भी सीख रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कभी गुरु बनने पर मैं कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और मैं जहाँ से हो सकता है मैं सीखना सीखता रहता हूँ। मैं फिर अपना मिर्ज़ा गालिब हुआ, वहाँ से गुलजार अंकल साहब से मुलाकात हुई, तभी मैं आई थिंक कुछ 16-17 साल का हूँगा, 18 साल का हूँगा शायद। तो ये जर्नी इतनी प्यारी रही, फिर एक स्टेज ऐसा आया 2005 में कि मैंने जगजीत अंकल को फ़ोन किया और कहा कि अंकल अब मैं नहीं बजाना चाहता, मुझे सिर्फ क्लासिकल पे फोकस करना है, मेरे आई वॉन्टेड टू डू माई मतलब सोलो कॉन्सर्ट्स, वो भी क्लासिकल के। बोला
ये सब ऐशो आराम भूलने पड़ेंगे, क्लासिकल कॉन्सर्ट करेगा, फाइव स्टार नहीं मिलेगी तुमको, मिलेगा गेस्ट हाउस, हाँ ट्रेन मिलेगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी, बिजनेस क्लास तो बहुत दूर की बात है। मेरा कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करूंगा, बट मुझे क्लासिकल करना है। तो बोला मेरे साथ बजाना, तेरे को कितना बजाना? मैंने आपके साथ तो बजा ही रहा हूँ मैं। और बोला कितना तो बजाता है मेरे साथ, क्या क्या बजाता रहता है तू, मैं रोकता हूँ क्या तेरे को? मैंने बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मुझे तो दो लोग आए वो मेरे लिए हैं, वो सोल्ड आउट होता है शो आपके नाम से, इवनिंग विद जगजीत सिंह, वो आपके नाम से कॉन्सर्ट हर सैटरडे हम जाते थे श्री फोर्ट, और वो सोल्ड आउट होता था हमेशा। खाली श्री फोर्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, ये बिल्कुल कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी टिकट्स बिकती हैं, ये वन ऑफ देम। नाम अनाउंस हुआ, सोल्ड आउट दूसरे दिन, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मुझे है ना मुझे सोलो बजाना है बस। बोला तेरे को हो क्या गया, तू तेरी तबीयत ठीक है? तो देन ही कॉल्ड माई वाइफ, मेरी वाइफ को फोन किया लता को, और बोला ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है। बोला अंकल आप जानो और ये जाने, मैं इनके काम में कभी मैंने इंटरफेयर किया नहीं ना मैं करती हूँ, तो ये दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। तो वो और चित्रा आंटी घर पे आए, मैंने ही बुलाया था कि घर पे आ जाओ बैठे। तो घर पे आने के बाद हमने एक एक ड्रिंक मारी, फिर उसके बाद जगजीत अंकल हमको खाना खिलाने ले गए, एक घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था टाइम एंड अगेन वहाँ पर। फिर वो मेरी वाइफ को बोले लता को, इसको बोल कि अमेरिका चले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बोला अंकल वो तो मैं तो नहीं बोलूँगी, आप ही बोलो। तो बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्या चाहिए क्या लाइफ में? मैंने मेरे को सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्लासिकल बजाना है बस, मुझे संगत नहीं करनी। तो बोला संगत थोड़ी यहाँ पर, वही बात रिपीट हो जो फोन पे हुई थी। मैंने अंकल मुझे है ना सेंटर में बैठना है। तो हंसने लगे बहुत जोर से ऐसे, बोला तू यहाँ बैठ जा मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है, इन द सेंस कि वो आपके कॉन्सर्ट में वो जो सोल्ड आउट होता है कॉन्सर्ट, वो आपके नाम से होता है, और उसमें मैं हूँ कि चलो दीपक पंडित भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँगा तो पब्लिक टिकट नहीं लेगी, सवाल ही नहीं होता, वो आपका कॉन्सर्ट है। मैं चाहता हूँ कि दो लोग आए या 2000 लोग आए वो मेरे नाम से है। तो चित्रा आंटी ने मेरा साइड लिया, बोला ये लड़का सही बोल रहा है, उसको करने दे, अपने अपने हिसाब से जीने दे उसको। बोला ठीक है। तो वो एक पॉज लिया मैंने, फिर मैंने, मैं अरेंजमेंट करता था काफ़ी लोगों के लिए करता था, तो वो मैंने बंद किया करना, मैं कंप्लीट अपने आप को मैंने सब तरफ से बायकॉट किया, और मैं सिर्फ अपना रियाज करता था, अभी भी करता हूँ, और जब तक चलता रहेगा सिलसिला करता रहूँगा, रियाज करता रहता था, और काम के फोन तो आते रहते थे लेकिन नहीं करता था। 5, 6, 7, 8, 2008 के करीब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स, रिकॉर्डिंग वगैरह जो मेरी खुद की होती थी जिसमें मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ वो मैं करता था, बाकी मैंने तो जो इंडस्ट्री में जो वायलिन बजाना भी था वो भी मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था, कुछ रीजंस थे जो मेरे को ठीक नहीं लगे थे तो मैं नहीं करता था। तो वेला एकदम अकेला मतलब बैठा रहता था मैं, मतलब मेरे मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे घर वालों ने सबने मुझे सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं, खास करके तो मैं, मेरा भाई और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। रियाज करता था खूब, और ऐसे करके अपना टाइम पास करता था, रियाज बहुत करता था, बहुत करता था। फिर कुछ कुछ क्लासिकल कॉन्सर्ट्स की इंक्वायरीज आई 2008 के करीब, आई तो वही है कि नारियल और शॉल मिलेगा, आने जाने का भाड़ा मिलेगा, और गेस्ट हाउस में रुकना है, जो उन्होंने कहा था वो चीज मैंने मंजूर है मैंने बिल्कुल। लेकिन जब मैं 2.5-3 घंटा बजा के उठा और मैंने देखा कि वो ऑडियंस तो ऑफकोर्स मेरे लिए नहीं थी, वो ऑडियंस तो क्योंकि वो फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में जितने कलाकार होते हैं सबके लिए होते हैं लोग, लेकिन पर्टिकुलरली उस स्लॉट पे उतने लोग बैठना, नहीं तो उठ के चले जाते हैं लोग, वो वेट नहीं करते अगर नहीं करना तो। आई थिंक कुछ 1000-1500 लोग थे
मैं वो भूल रहा हूँ जगह कहाँ थी, एमपी में समवेयर इन एमपी, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज तो मेरा सब भूल गया मैं, फाइव स्टार होटल स्वीट या बिजनेस क्लास या ये या वो या पैसा, सब भूल गया मैं। वो जो मज़ा था, वो नशा जो था ना, कि बैठ के 2.5-3 घंटा बजाना और वो लोग आपको सुन रहे हैं सिर्फ, वो नशा, उस नशे में मैं पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जब जगजीत अंकल के आइटनरीज जाती थी ऑर्गेनाइजर्स के पास, तो वो ऑर्गेनाइजर बोलते थे कि इसमें तो दीपक पंडित का नाम नहीं है। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने, चौथे ने किसी ने बोला उसका दिन खराब होगा उस दिन, बोला तुमको दीपक पंडित का शो करना है मेरा करना है? अच्छा, मेरे को खुद बताते भी थे फोन करके। तो बोला नहीं नहीं सर, आपका ही वो कॉन्सर्ट तो आपका है, लेकिन वो साथ में होते तो बहुत मजा आता है। हाँ तो बोला मजा आता है तो उसको कर लो, सोलो कर लो उसका, वो अभी नहीं बजाता वो। ऐसे करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर वो ऑर्गेनाइजर का वापस से फोन आया उनके पास, बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो जगजीत अंकल ने वो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना कि आपको कोई डायरेक्ट फोन करता है तो आपको आपका सीना चौड़ा हो जाता है। वो मेरी बदतमीजी थी एक्चुअली, और वो मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे जज्जी जी का कॉन्सर्ट रखा है हमने और हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बजाएं। तो मैंने बोला तो वो फ़ोन करेंगे ना? बोला नहीं, हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कुछ अरसे से नहीं बजा रहे आप उनके साथ। मैंने हाँ, मैं मेरे सोलो कॉन्सर्ट्स के लिए या मेरे क्लासिकल के लिए मैं फोकस हूँ और उस पर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो बोला कि आप ये कॉन्सर्ट कर लीजिए ना। अब क्या होता है ना कि सर मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। और मैंने बोला ठीक है, आप पेमेंट वगैरह क्या करेंगे? तो बोला आप बताइए। मैंने कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट बोला एंड दे एग्रीड, एंड देन आई सेड कि आई नीड वन ये बिजनेस क्लास टिकट और आई नीड वन सेपरेट रूम, स्मोकिंग रूम। बोला फाइन, हो गया सर। हालांकि मैं इस बात के बाद एक और बात बताऊंगा, हालांकि अपना गए एयरपोर्ट पहुंचे, अब मैं कॉन्सर्ट किसका बजा किन का बजाने जा रहा हूँ? जगजीत अंकल का, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर ने बुक किया। तो ऐसा एक दो चीज हुई थी। तो व्हेन आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम फ्लाइट के अंदर, मजे तो ले रहे हम लोग, मस्ती कर रहे सब कुछ, लेकिन मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि मेरी औकात नहीं है इनके पास बैठने की, मेरी औकात नहीं है इस तरह से बैठने की, औकात नहीं है। मैं जाके पीछे मेरी टीम के साथ बैठा, जावेद ढोलक बजाते थे, बहुत गुणी खानदान से थे, अभी नहीं रहे वो, बहुत यंग था वो लड़का। गुलाम मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन, पाकिजा फिल्म में जिनका म्यूजिक था जी, जी वो जी, थे अभिनव जी थे, काफी सारे हमारी टीम के थे। प्रोग्राम हो गया सर वो, लेकिन दिल में मेरे बड़ा मलाल रहा कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं जाता आता रहा हूँ हमेशा, वैसे ही जाना चाहिए था मुझे। खैर वो उसके बाद जब आते थे लोगों के फ़ोन तो मैं मना कर देता था, मैंने नहीं मेरे को आना होगा तो जगजी जी को अंकल को मैं खुद बात कर लूँगा और वैसे आऊँगा, ऐसे डायरेक्ट मेरे को अप्रोच मत करिए। तो वो चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अपना उनका जो अधिकार और एक जो दादागिरी, दोनों चीज़ बोल सकते हैं आप, बोले कि अमेरिका टूर है। तो मैंने बोला नहीं अंकल, अमेरिका तो नहीं जाऊंगा मैं। बोला क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम? मैंने बहुत प्रॉब्लम है, एक तो आपके कॉन्सर्ट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे तय होते हैं कि अपना 12 कॉन्सर्ट होंगे, वहाँ जाके 24 कॉन्सर्ट हो जाते हैं, तो एक दिन भी आराम नहीं मिलता। ट्रैवलिंग, स्टेज, फ्लाइट, एयरपोर्ट, स्टेज, होटल में चेक इन करते हैं, लेकिन नाम के लिए चेक इन करते हैं, लेट बैठने तक का मौका नहीं मिलता होटल। उसके बाद सबसे इरिटेटिंग क्या होता था कि वो किसी के होटल में खाना खाने जाओ कॉन्सर्ट के बाद, और वो खाना खाने में फिर वो दारू भी पियो, फिर उसके बाद वो रात पूरी काली हो, फिर उसके बाद अपना उसमें एक आदमी ऐसा होता था उनका जो हमेशा होता था, जो आज भी होता है वो, कि वो रास्ता भूलता था, फिर एक एग्जिट मिस कर लिया तो आपका 1.5 घंटा वैसे खराब हो गया।
ये हमेशा होता है, तो ये सारी चीजें। फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने नहीं आते, अभी तो सीख गया मैं, लेकिन उस समय नहीं आते थे। तो बोले और क्या प्रॉब्लम है तेरी, मैंने और अपना खाना खाने किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, और कपड़े प्रेस करने, और मैंने और अपना जितने कॉन्सर्ट्स का कमिटमेंट है हाँ उतने ही करो, उसके ऊपर करोगे तो मैं इंडिया आ जाऊंगा। और कसीनो, मैंने कसीनो तो चलेंगे, कसीनो का हम दोनों का कॉमन एक फैक्टर है लाइफ में।